नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल व्लॉगर विनीत। जैसा कि आपको पता है, जाड़ों का सीजन आ चुका है और भाई लोग कर रहे हैं कैंपिंग। तो कैंपिंग से ही रिलेटेड मैं लेके आया हूं दो प्रोडक्ट ऐसे जो कि हर कैंपर के पास होने जरूरी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है स्लीपिंग बैग और राइनोक्राफ्ट कंपनी का। ये जो स्लीपिंग बैग है दोस्तों, ये है आपका रेक्टेंगुलर, और दूसरा जो ये नन्हा वाला स्लीपिंग बैग है राइनोक्राफ्ट कंपनी का, ये है दोस्तों मम्मी स्लीपिंग बैग। तो इन दोनों स्लीपिंग बैग में क्या अंतर होता है, क्या इनके फीचर्स हैं, ये सारी जानकारी पूरी डिटेल में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले कवर करते हैं हम ये रेक्टेंगुलर शेप का जो स्लीपिंग बैग है राइनोक्राफ्ट कंपनी का। और सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है राइनोक्राफ्ट कंपनी का लोगो, ये जो आप देख रहे हैं। ये कंप्रेशन सैक होता है दोस्तों, जिसके अंदर हमारा स्लीपिंग बैग होता है। कंप्रेशन सैक क्या काम करता है कि आप इसे अगर और कंप्रेस करके छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, इनको आप इस तरह से दबाकर, चारों तरफ स्ट्रैप है दोस्तों, आप इसे और कंप्रेस कर सकते हैं। ये काम होता है बेसिकली कंप्रेशन सैक का। और यहाँ पे खोलने के लिए ये आपको मिल जाता है इस तरह से, ये खुल जाता है। और स्लीपिंग बैग निकालने से पहले आपको ये ढीले करने पड़ते हैं, ये देखिए। तो ढीला करने के बाद ये हमारा कंप्रेशन सैक है। जैसा कि आपने देखा, काफ़ी मजबूत और बढ़िया दोस्तों कपड़ा इसमें यूज़ किया गया है। कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फट जाएगा या कुछ है। बहुत तगड़ा स्टफ यूज़ किया भाई। इसके अंदर निकलता है दोस्तों हमारा स्लीपिंग बैग, ये आ गया। कंप्रेशन सैक को रखते हैं अलग और अब बताते हैं आपको इस स्लीपिंग बैग की खासियत। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने निकाल दिया है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं, फुल लेंथ लंबाई होती है दोस्तों, आराम से आप इसके अंदर लेटकर अपने हाथ पैर वगैरह मूव कर सकते हैं। तो ये जो इसका शेप है दोस्तों, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सबसे ऊपर हुड, जिसमें आप अंदर लेट के अपने सिर पे इसे कवर कर लेते हैं। और इसे कवर करने के लिए यहाँ पे ये इस तरह से एक कॉर्ड दे रखी है, आप इसके जरिए इस तरह से अंदर घुस जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे राइनोक्राफ्ट की ब्रांडिंग लगी हुई है और वेलक्रो से यहाँ पे एक पॉकेट टाइप की ये, अच्छा फ्लैप है, ओके, ये फ्लैप यहाँ पे दे रखा है। ये इसलिए दिला हुआ है दोस्तों ताकि चेन अपने आप खुलकर नीचे ना जा पाए। तो ये हो जाता है आपका फुल लेंथ। अब मैं इसे अगर खोलूं तो साइड में इसके यहाँ पे ये चेन दे रखी है और ये जाती है ऑल द वे डाउन और फिर यहाँ से खुलती है इस तरह से, ठीक है। एल शेप में चेन है और इसे हम खोल देते हैं इस तरह से। बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा और बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है ये। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर का जो फ्लीस है वो किस तरह का बना हुआ है और क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी फ्लीस की अंदर जो इसमें स्टिच्ड है, ये फ्लीस पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये डिटैचेबल नहीं है दोस्तों, इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी में सिला हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का इसमें कपड़ा यूज़ किया गया है। मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि इस कपड़े से आपके स्किन पे किसी तरह के कोई रैशेज या इस तरह से कोई दिक्कत होने की संभावना है। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा दोस्तों इसमें यूज़ किया गया है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हमें स्टिचिंग देखने को मिलती है इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, लाइनें बनी हुई हैं, ये सिलाई हो रखी है। और अगर मैं अंदर से स्टिचिंग की बात करूँ, स्टिचिंग कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फट सकती है। काफ़ी मजबूत और बहुत क्वालिटी की स्टिचिंग इसमें करी गई है। तो ये है, अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ऊपर से एक बार दिखाना चाहूँगा कि इसका जो कलर है, ये आपके कॉमाफ्लाज कलर है और बीच में ये डार्क ब्लू टाइप का कुछ ब्लैकिश सा इसमें इफ़ेक्ट दिया गया है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों ये देखने में। और अगर दोस्तों इसके मैं कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ तो खींच के भी ये कहीं फटने का कोई इसमें चांस नहीं है। अब आती है अगली बात इसकी सिलाई की। ये देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे सिलाई हो रखी है, ये कुछ अंदर से डबल पैटर्न पे सिलाई करी गई है और मैं अपनी पूरी ताकत लगा के इसे, अरे भगवान नहीं टूट रही। बहुत ज़बरदस्त स्टिचिंग कर रखी है भाई,
बहुत बढ़िया। और ये स्टिचिंग चारों तरफ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से ये पाइपिंग लगी हुई है, इसकी किनारी बढ़िया करके बनाई है। अच्छा हाँ, अगली चीज़ जो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ दोस्तों, वो है आपकी चेन। कई बार देखने में आता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा स्लीपिंग बैग्स में चेन ख़राब हो जाती हैं, लेकिन 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 यहाँ पे इस चेन को देख के मुझे नहीं लगता कि ये भविष्य में जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। काफ़ी बढ़िया और क्वालिटी की इसमें दोस्तों चेन लगाई गई है, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट लग रहा है मुझे ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसके अंदर घुस के कि किस तरह का मुझे कंफर्ट इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरी हाइट है 5'8" और अब अंदर घुस के डेमो किया जाता है। तो इस तरह से अंदर घुस जाते हैं और यहाँ से हम लगाते हैं चेन। तो अब यहाँ पे आप अगर देखें तो मेरे पैर कितने फैले हुए हैं, ठीक है, तो काफ़ी स्पेस मिल जाती है पैरों को। और अगर मैं इसमें करवट लेना चाहूँ तो बड़े आराम से इसमें इतनी जगह है कि मैं करवट लेके आराम से लेट सकता हूँ। और ये आ जाता है हेड कैप कह लीजिए या हुड कह लीजिए, इस तरह से ये टाइट होके आपके सिर में अंदर पैक हो जाते हैं इसमें, ये देखिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये काफ़ी स्पेशियस है और गर्म भी। यार पसीना आ गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे स्लीपिंग बैग की ओर, जो कि मम्मी टाइप स्लीपिंग बैग होता है। और मम्मी टाइप की अपनी अलग ही खूबियां होती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में आगे चल के। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा एंड तक। तो चलिए दोस्तों कवर करते हैं अपना मम्मी टाइप स्लीपिंग बैग। तो दोस्तों अब बात करते हैं छोटे मियाँ के बारे में। हालांकि देखने में छोटा है लेकिन काम पूरा करता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है राइनोक्राफ्ट कंपनी की ब्रांडिंग। तो ये भी कंप्रेशन सैक में आता है दोस्तों, और यहाँ से हम इसे टाइट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बड़े वाले स्लीपिंग बैग में। चारों साइड इसमें ये स्ट्रैप्स दे रखे हैं। स्ट्रैप्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्ट्रैप्स इसमें यूज़ किए गए हैं दोस्तों, दोनों ही बैग्स में। और ये इस तरह से हम टाइट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं कि अंदर किस तरह का बैग हमें देखने को मिलता है। तो इसके स्ट्रैप्स दोस्तों इस तरह से अलग हो जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और वही सिस्टम यहाँ पे हमें कॉर्ड वाला देखने को मिलता है इस तरह से इसे खोलने का। और खुलने के बाद अंदर हमारा है इसके स्लीपिंग बैग। तो चलिए निकालते हैं। ये जो स्लीपिंग बैग है दोस्तों, ये है मम्मी टाइप स्लीपिंग बैग। और मम्मी टाइप स्लीपिंग बैग की क्या खासियत होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा कि रेक्टेंगुलर बैग में और मम्मी टाइप स्लीपिंग बैग में क्या अंतर है। मम्मी टाइप स्लीपिंग बैग आप जैसा कि देख रहे हैं इसकी शेप से ही आपको पता चल रहा है। देखिए मम्मी टाइप स्लीपिंग बैग आपके चेस्ट की साइड से थोड़ा चौड़ा होता है, और नीचे की तरफ अगर हम चलते चले जाए तो ये हो जाता है पतला पैरों की साइड आते आते। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं दोस्तों, ये होती है मम्मी टाइप स्लीपिंग बैग की। अब पहले मैं आपको बताऊंगा इसके स्टफ़ के बारे में कि किस तरह का इसमें स्टफ़ यूज़ किया गया है। तो दोस्तों सेम स्टफ़ जैसा कि उसमें यूज़ किया गया था, सेम क्वालिटी का कपड़ा इसमें यूज़ किया गया है। स्टिचिंग वगैरह सब परफेक्ट है इसकी, कहीं से भी इसकी स्टिचिंग उधड़ने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर आपको एक फ्लैप दिखता है जिस पर राइनोक्राफ्ट कंपनी का लोगो लगा हुआ है, और ये वेलक्रो स्ट्रैप है ये देखिए। और इसकी भी चेन दोस्तों साइड से खुलती है इस तरह से, ये साइड से ओपन हो जाता है। सामने इधर अगर आप देखेंगे तो हेड की पोर्शन में यहाँ पे आपको एक कैप मिल जाती है अपना सिर ढांकने के लिए, और रेड कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में दोस्तों इसे बनाया गया है। कपड़ा काफ़ी बढ़िया है, चलिए अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि वो एल शेप में खुल रहा था, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक जाके खुलेगा, इसके नीचे चेन का एक्सेस नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट बनी हुई है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें आपकी चेन अंदर चली जाती है। तो इस तरह से ये इसका फिज़िकल अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। ये देखें अंदर से पूरा रेड कलर का इसमें बना हुआ है, क्वालिटी स्टिचिंग करी गई है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो मम्मी स्लीपिंग बैग होते हैं वो बॉडी फिट होते हैं, ठीक है। बॉडी फिट यानी कि वो आपके शरीर से एक तरह से चिपक जाते हैं। होता क्या है, जब हम किसी ठंडी जगह पे जाते हैं, बर्फीले एरिया में जाते हैं,
तो हम जब ममी टाइप स्लीपिंग बैग में लेटेंगे तो हमारी बॉडी, जैसा कि आप जानते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली हीट जनरेट करती है, तो वो हीट बाहर ना निकल पाए और बैग के अंदर ही ट्रैप होके रह जाए, यानी फंस के रह जाए, तो वही गर्मी हमें गर्माहट प्रदान करती है। तो ये कॉन्सेप्ट है ममी टाइप स्लीपिंग बैग का। मैं भी इसमें आपको लेट के भी दिखाऊंगा कि किस तरह का मुझे इसमें फील आ रहा है लेटने के बाद। और अब यहाँ पे मैं ये चेन इसकी बंद करूँगा इस तरह से। चेस्ट की साइड से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मुझे जगह मिल जाती है मूवमेंट करने के लिए। ये हेड कैप काफ़ी सही है और यार इसमें तो उससे भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बढ़िया से चेस्ट की साइड से मैं इसमें मूवमेंट कर पा रहा हूँ। पैरों को मूवमेंट करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है ममी टाइप स्लीपिंग बैग, हमेशा ध्यान रखिए, पर इतना भी नहीं है कि आप अपने पैर नहीं घुमा पाएँ। ठीक है, आराम से मैं इसमें लेट बैठ पा रहा हूँ इस तरह से। और अगर मैं उठ के बैठता हूँ तो भी इस तरह से बैठा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ कंफर्ट की तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ममी टाइप स्लीपिंग बैग जो होते हैं दोस्तों, वो थोड़ा आपके बॉडी फिट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूँगा, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं मेड इन इंडिया हैं। प्रोडक्ट की जो दोस्तों क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, स्टिचिंग से लेके इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है इसे बनाने के लिए, दोनों बैग्स को काफ़ी बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किया गया है इसके लिए। राइनोक्राफ्ट दोस्तों इंडिया की कंपनी है और काफ़ी बढ़िया कैंपिंग के इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है। तो ये था दोस्तों दोनों स्लीपिंग बैग्स का रिव्यू। और यदि आपका कोई कमेंट है या आप कोई स्लीपिंग बैग्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोनों बैग्स के जो लिंक है दोस्तों वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्लीपिंग बैग्स का रिव्यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे पाया हूँगा। आने वाले समय में और भी वीडियोज लाने का मेरा प्रयास जारी है। यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।